नमस्कार मित्रों, YouTube में आपका स्वागत है। मित्रों, आप लोग YouTube देखते हैं, संतों का सत्संग करते हैं, अच्छी किताबें पढ़ते हैं, दुनिया में लोगों को देखते हैं ठोकर खाते हुए, सफल होते हुए। लेकिन इस पर विचार करना चाहिए कि इससे हम कितना सीख पाते हैं, क्योंकि अगर मनुष्य सीख पाता होता तो सबसे पहले यह सीख लेता कि जिसने बुरे कर्म किए, अपराध किया, उसे जो दंड मिला उससे सीख जाना चाहिए कि हमें अपराध नहीं करना है। लेकिन दंड तो बहुत मिल रहा है, लेकिन अपराध ही कम नहीं हो रहे। विषयों के वशीभूत होकर जिस तरह से मनुष्य अपराध करता है, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, और ये विषय जिंदगी भर उसे दुख देते हैं, इनका परिणाम दुखद होता है, शरीर का नाश होता है, इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं, आयु नष्ट हो जाती है, फिर भी मनुष्य की जो ऐशाएं हैं, जो इच्छाएं हैं भोगों में डूबने की, विषयों में डूबे रहने की, वो समाप्त तो नहीं होती। वो लोगों को देखता है, उनके कारण दुख पाते हुए, गलत विचारों के कारण, गलत कर्मों के कारण, गलत इच्छाओं के कारण कितना दुख पा रहे हैं लोग, फिर भी न तो वो कुछ सीख पा रहे हैं और न देखने वाला कुछ सीख पा रहा है। यही संसार की माया है। विषय का मतलब होता है जिसे भोग कर, जिसे खाकर हम बार बार मरे और हमें पता भी नहीं चलता कि मर रहे हैं। पहली बार जब आप शराब पीते हैं या सिगरेट पीते हैं तो बड़ा कष्ट होता है, पीड़ा होती है, कड़वा लगता है, स्वाद नहीं होता है। लेकिन जब आप बार बार पीते हैं तो बड़ा स्वाद लगने लगता है। इसी तरह विषयों में जितना ज्यादा आप विषयों का सेवन करते हैं, जितनी बार आप क्रोध करते हैं, और जब बार बार क्रोध करते हैं तो क्रोध का पैटर्न बनने लगता है, क्रोध करने में मजा आने लगता है। जितनी बार काम करते हैं उसमें और आनंद बढ़ने लगता है, और भोग इच्छा बढ़ने लगती है, और इच्छाएं प्रबल हो जाती हैं, और वो इंद्रियों का नाश करती हैं, बल का ह्रास करती हैं, आयु का नाश करती हैं, आपका फोकस खत्म कर देती हैं, अंधेरा हो जाता है जीवन में, अंधकार छा जाता है। इसलिए उस अंधेरे में कोई मार्ग नहीं दिखाई देता। विषयों में बड़ा टेस्ट होता है, बड़े आकर्षक होते हैं सांसारिक विषय। विषयों का आकर्षण बड़ा प्रबल है और इस आकर्षण से बहुत कम लोग बच पाते हैं। जिन पे बहुत गुरु कृपा हो, प्रभु कृपा हो, इष्ट कृपा हो, और जो लगातार सत्संग से जुड़े रहते हैं, कहीं न कहीं से अच्छे विचारों से जुड़े रहते हैं, ये विचार भी एक प्रकाश की किरण है जो निरंतर हमें आगाह करते हैं क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है। तो बिन सत्संग विवेक न हुई, और ये विवेक ही वो लाइट है जो कार से आगे एक लाइट होती है जिससे रास्ता दिखता है। अगर उसे बंद कर दें रात अंधेरे में तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती, और अगर बढ़ाएंगे तो कहीं टकराएगी। तो कार की जो हेडलाइट है वही मनुष्य का विवेक है, और ये विवेक को जलाई रखने के लिए जरूरी है कि सत्संग निरंतर किया जाए। खुद के भरोसे ये संभव नहीं है। तो जब जनक गए, बहुत बड़े ज्ञानी थे राजा जनक, अष्टावक्र से पूछा कि कथम ज्ञानम वापनोति,
कथम मुक्तिर भविष्यसि। हे प्रभु, जनक जैसा ज्ञानी कह रहा है उस बालक से कि हे प्रभु, और ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती, एक 5 साल का बच्चा भी ज्ञानी हो सकता है और एक 60 साल का व्यक्ति भी अज्ञानी हो सकता है, मूढ़ हो सकता है। तो जनक ने पूछा था अष्टावक्र से कि कथम ज्ञानम वाप्नोति, कैसे होगा ज्ञान, कथम ज्ञानम वाप्नोति, कथम मुक्तिर भविष्यसि, वैराग्यम च कथम प्राप्तम, एतत् ब्रूहि मम प्रभो। हे प्रभु, मुझे समझाकर कहिए कि वैराग्य कैसे होगा, ये विषय तो साथ ही नहीं छोड़ रहे हैं, विषयों का एक साइकिल है, रोज डूबो रोज निकलो, रोज डूबो रोज निकलो। आप क्रोध करते हैं, बाद में आपको लगता है कि अनुचित था। आप लोभ करते हैं, बाद में आपको लगता है अनुचित था। आप मादक दवाओं का सेवन कर लेते हैं, नशे का सेवन करते हैं, सेवन करने के बाद आपको लगता है अनुचित था। उसके बाद जो विषाद होता है, जो अवसाद होता है, जो पछतावा होता है, जो बुद्धि भ्रमित होती है, इंद्रियों का बल नष्ट हो जाता है, और फिर आपको लगता है तुरंत चाहिए मुझे फिर से नशा चाहिए, नहीं तो मैं सोच नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता, मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा। तो पहले आपके हाथ में था, आप चाहें तो उसको लें, लेकिन एक बार आपने ले लिया विषय को, विष को, तो फिर आप उसके हाथ में चले जाते हैं। वो चाहे तो छोड़े आपको, और वो कभी नहीं छोड़ता। इसलिए जागरण जरूरी है, इसलिए ज्ञान जरूरी है, इसलिए अच्छे विचारों का सेवन जरूरी है, और ये विचार निरंतर आप तक पहुंचे, ये मेरा प्रयास है।